आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एफ एक्स इजक्ल टू साइन एक्स है और जी एक्स इजक्ल टू एक्स स्क्वायर है, एच एक्स इजक्ल टू लॉग एक्स है। ठीक है, अगर मेरा यू एक्स इजक्ल टू एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स है, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इजक्ल टू अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू अगर मेरा पी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, जहाँ पर ये डिनोट कर रहा है इट ग्रेटेस्ट इंटीजन, ठीक है, ये है ना। चलो तो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जी एक्स है यहाँ पर, ठीक है, अंदर में, तो जी एक्स इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं। तो जी एक्स अपना कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स की बात करूँ, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मेरा साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एफ जी एक्स अगर मुझे निकालना है तो एक्स की जगह यहाँ पर जी एक्स कर देना है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन जी एक्स के इक्वल। ठीक है, अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, चलो तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो आ चुका है। ठीक है, अब यू ऑफ एक्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो यू ऑफ एक्स क्या है, अगर उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि एच ऑफ एक्स क्या है। एच ऑफ एक्स देखो मैं हमारा है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा क्या, लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा यू ऑफ दिस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स की जगह अगर मैं ये वाली रख दूँ, ठीक है, ये रख दूँ तो आ जाएगा ये यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है क्या, साइन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यू ऑफ एक्स जो आ गया इतना आ गया है। अब इसी का हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है और उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू पर इक्वल करना है पी के इक्वल। ठीक है, चलो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डी यू बाई डी एक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम ना साइन एक्स स्क्वायर के टर्म में ही कर देंगे, साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, तो ये जगह 1 बाई में हमने माना है ये एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर माना है। ठीक है, चेन रूल के साथ कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो हो जाएगा 2x। ठीक है, तो du by dx ये आ गया है मेरा कितना, 2x cos x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, sin x स्क्वायर के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर cos by sin है, cos by sin को हम क्या लिखते हैं, cot लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2x और ये हो जाएगा मेरा cot x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा du बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d2u डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करेंगे, पहले को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले का डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करें, 2 cos इस 2 तो देखो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर ही रखे रहो। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट, तो cot एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट मान लिया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 हो गया और प्लस में अब देखो 2, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक्स को कॉन्स्टेंट मान ले रहा हूँ, तो ये 2x हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो कॉन्स्टेंट बाहर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही करूँगा, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x। ठीक है, तो ये हो गया मेरा d2u डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई ये, तो इसको हम लिख लेते हैं, देखो 2 cot
एक्स का स्क्वायर और प्लस में कितना 2x, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस इनडायरेक्ट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस में 2, और यहाँ पर 2 पहले से है और x भी है पहले से, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 4x स्क्वायर, और ये अपना कितना कोसेक स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो तो इसकी वैल्यू डी टू यू डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई, देखो किस पर निकालना था, 2 पर, ठीक है, तो मतलब अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 पर निकालना है एक्स इज इक्वल टू इतना पर, तो एक्स इज इक्वल टू इतना अगर डाल देंगे तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 कॉट और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है पाई बाई 4, ठीक है, माइनस में 4, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी पाई बाई 4 के इक्वल, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। चलो तो देखो कॉट पाई बाई 4 की तो वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 2 इंटू में 1, मतलब सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ से ये 4 और ये 4 भी गया, तो बचा क्या माइनस में पाई, और कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है ना, ये होती है अंडरूट में 2, तो अंडरूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ बचेगा 2 बचेगा, तो ये 2 माइनस में 2 पाई हो गया, ठीक है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस में पाई हो जाएगा, ठीक, पाई की वैल्यू अब चलो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में एक्स, पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं, ठीक है, तो देखो 1 माइनस में 3.14 करेंगे तो ये आता है माइनस में 2.14, माइनस में 2.14 आता है, और इनटू में 2 करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.28 माइनस में, तो माइनस में 4.28, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको माना गया है पी के इक्वल है, ठीक है, देखो बोला गया है यहाँ पर कि इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या है, पी है, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पी, और इसका क्या करना है, फिर मॉड ले लेना, ठीक है, तो पी की वैल्यू अगर इतना है, ठीक है, तो माइनस में 4.28 इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये आएगा मेरा कितना माइनस में 5 आएगा, और इसका फिर मॉड ले लूँगा, तो देखो माइनस में 5 का मॉड ले लूँगा तो ये आएगा मेरा 5, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 5 आ गया है, तो आंसर इज 5, तो होप आपको समझ में आएगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।